छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सरकार ने बढ़ाया धान मंडी का शुल्क, व्यापारियों ने कम कर दी बोली, गुस्साए किसानों ने धान बेचने से कर दिया इनकार। प्रदेश में मुआवजे के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला, पूर्व मंत्री साहू ने लगाया आरोप, केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग। और खोखली विचारधारा से तंग होकर लाल हिंसा छोड़ रहे माओवादी, 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। अब देखते हैं खबर विस्तार से। गरियाबंद जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में मंडी शुल्क बढ़ने का आदेश पहुंचा, जिसके बाद व्यापारियों ने धान की बोली कम कर दी। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा था, इस वजह से किसानों ने अपना धान बेचने से इनकार कर दिया। धान की यह मंडी राजिम में है, जहां किसान अपना धान बेचते हैं। कल तक जो धान 1,570 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका, वही अगले दिन 1,370 रुपए प्रति क्विंटल तक उसकी बोली लगी। दरअसल सरकार अब तक किसानों से मंडी शुल्क के नाम पर हर 100 रुपए के पीछे 2 रुपए लिया करती थी, मगर कृषक कल्याण के नाम पर शुल्क बढ़ाते हुए अब इसे 5 रुपए कर दिया गया है। इस शुल्क के बढ़ने के नाम पर व्यापारियों ने किसानों के धान की बोली कम कर दी। इससे किसानों को 200 से 250 रुपए का नुकसान हो रहा था। इस वजह से किसानों ने एकजुट होकर अपना धान बेचे जाने से इनकार कर दिया। बोली के कारण बंद करें कि बोली में धान की खरीदी की बोली 1,000 से शुरू करके 1,300 से 1,350 तक अंतिम कर दिए थे। अगले चलत रही थे कि 1,550, 1,560, 1,570, 1,580 तक। तो अति कम काबर हुई, ऐसे टाइप के किसान मन है, इला रोक लगा के सब किसान मिल के इसको बोली बंद करा गए। यहाँ मौजूद किसान नेता तेजराम विद्रोही ने बताया कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि मंडी में समर्थन मूल्य से बोली की शुरुआत करनी चाहिए, मगर इसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज पूरे किसान कृषि उपज मंडी आए हुए हैं अपनी उपज को, धान को बेचने के लिए। और अभी जहाँ जहाँ जो बोली शुरू हुई, वहाँ 1,000 से बोली शुरू हुई है, और कल की तुलना में आज 200 से 250 रुपये कम पर बोली लगाई जा रही है। इससे किसान नाराज हैं और उन्होंने आज बोली बंद करके न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर की जो कीमत हमको मिलनी चाहिए है, ये हमारी मांग है। इससे पहले जो कल तक जो बोली हो रही थी वो 1,550 से 1,600 तक की जो बोली हो रही थी, लेकिन अचानक से आज बोली बंद कम कर दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने 5% टैक्स बढ़ा दिया है, जिसके वजह से हमको नुकसान हो रहा है, इसलिए हम कम में खरीद रहे हैं। लेकिन किसान, व्यापारी और सरकार के जो नीतियों का जो खामियाजा किसान क्यों भुगते हैं, उनको सरकार को जवाब देना चाहिए। इस मामले में कृषि उपज मंडी बोर्ड के अतिरिक्त संचालक अशोक कुंभज का कहना है कि शुल्क बढ़ने के चलते व्यापारी धान की कम कीमत लगा रहे हैं, फिलहाल उन पर दबाव बनाकर धान की बोली बढ़ाई जाएगी ताकि किसानों को उपज की सही कीमत मिल सके। भाजपा के शासनकाल में मंत्री रहे चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ में करोड़ों के मुआवजा घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने घोटाले से संबंधित दस्तावेज राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है। चंद्रशेखर साहू ने बताया कि भारतमाला सड़क निर्माण और रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर निर्माण के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भू अर्जन एवं भूस्वामी को मुआवजा वितरण का कार्य एसडीएम द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत अब तक अभनपुर तहसील में 380 करोड़ मुआवजा सैंक्शन हो चुका है और लगभग 600 करोड़ की मुआवजा राशि बांटी जा चुकी है। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू का आरोप है कि भू अर्जन और मुआवजा वितरण में नियमों को ताक पर रखकर जमीनों की हेराफेरी की गई और 300 करोड़ से भी अधिक का घोटाला किया गया। भारतमाला कॉरिडोर निर्माण, विशाखापट्टनम, ये सारे विषयों को लेकर आज हमने बातचीत की है कि जो मुआवजा वितरण में, भूमि अर्जन में जिस प्रकार से घपले किए जा रहे हैं, घोटाला किया जा रहा है, उस सैकड़ों करोड़ में 300 करोड़ का एक तहसील है। और इसके साथ साथ प्रदेश के अनेक इलाकों में इस प्रकार से मुआवजा वितरण में घोटाले किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं, राज्य सरकार की ओर से जांच होनी चाहिए, वो क्यों नहीं? और इसलिए हम इस विषय को लेकर राजभवन में जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को इस बात का ज्ञापन देने जा रहे हैं ताकि वो सेंट्रल विजिलेंस से पहले जांच करवाए। बाद में यदि एक बड़ा मामला है, आगे जाके सीबीआई जांच की भी मांग हम कर सकेंगे। तो ये जो तथ्य है वो अपने आप में सिद्ध है कि केंद्र सरकार के पैसे का बंदरवाट किया जाए, केंद्र सरकार के राशियों के सैकड़ों करोड़ रुपया ये किस तरीके से भूमि माफिया और मुआवजा माफिया का सिंडिकेट के माध्यम से कुछ लोग का, ये जनहित में, लोकहित में, प्रदेश हित में और किसान के हित में हमने इस मामले को लाने की कोशिश।
इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। पूर्व में भाजपा के शासनकाल में जो भी मुआवजा तय किया गया है वही किसानों को दिया जा रहा है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में पुलिस के द्वारा वर्ष 2020 से चलाए जा रहे लोन भर्राटू घर वापसी अभियान के तहत अब तक 475 से अधिक नक्सली समर्पण कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। इनमें से 117 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। इस अभियान की सफलता दिखने लगी है। इसी कड़ी में यहां की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां जिले के किरंदुल थाना पहुंचे 16 नक्सलियों ने समर्पण किया। सभी समर्पित नक्सली गंगालूर एरिया पश्चिम बस्तर कमेटी में सक्रिय थे। नक्सली माओवादी संगठन की खोखली विचारधारा से तंग आ गए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास में सहयोग करना चाहते हैं। आगामी 13 से 17 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का 12वां सत्र होने जा रहा है। इससे पूर्व तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश देने मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से सत्र के दौरान विभागीय प्रकोष्ठ का गठन एवं नोडल अधिकारी की नियुक्ति, सत्र के दौरान प्रस्तुत होने वाले विधेयकों की पूर्व तैयारी, लंबित आश्वासनों के उत्तर, विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले पत्रकों की तैयारी सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। अमिताभ जैन ने आगामी एक सप्ताह के भीतर सभी जरूरी तैयारियों को करने को कहा है। बिलासपुर सहित प्रदेश भर में निर्मल इंफ्रा होम के नाम से चिटफंड कंपनी संचालित कर निवेशकों से 13 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 6 डायरेक्टर्स को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर प्रोडक्शन वारंट पर ले आई है। चिटफंड कंपनी के संचालकों ने रकम से 2-3 गुना करने का झांसा देकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में 13 करोड़ रुपए की ठगी की है। उनके खिलाफ प्रदेश भर में 12 प्रकरण दर्ज है। जांच के दौरान निर्मल इंफ्रा होम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 6 डायरेक्टर्स पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का पता चला है। टीम को पता चला कि इस कंपनी के 6 संचालकों ने ओडिशा में भी ठगी की है और सभी वहां जेल में बंद हैं। इस पर टीम ओडिशा गई और उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर ले आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।